बिना धूप के बनने वाले इंस्टेंट अचार की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का बहुत ही टेस्टी अचार हम बनाएंगे, जिसको कि सालों तक आप स्टोर भी कर पाएंगे। बनाना भी इसको बेहद आसान है। चलिए फटाफट से मैं आपको सिखाती हूँ किस तरह से बनाएं हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का बहुत ही टेस्टी चटपटा अचार। तो फ्रेंड्स, शुरुआत हमें करनी होगी सबसे पहले अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को अच्छे से धोकर साफ करने से। मैंने यहाँ पर अदरक लिया है जिसको कि ऑलरेडी धो लिया था अच्छे से। इसके बाद में इसका पानी सुखा लेंगे और इसका छिलका हटाकर इसको छोटे टुकड़ों में काट कर रख लेंगे। साथ ही हरी मिर्च ली है लगभग 100 ग्राम के करीब, इसको भी अच्छे से धोकर इसकी डंडी मैंने हटा दी थी, और लहसुन ली है लगभग 100 ग्राम, इसको भी छील लिया था। तो इस तरह से तीनों चीजों को हम रेडी कर लेंगे, इसके बाद में अचार बनाना शुरू करेंगे। दोस्तों, जब भी आप अचार बनाएं तो ध्यान रखें जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल सूखी होनी चाहिए, उसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर हरी मिर्च को भी मैंने यहाँ पर पंखे के नीचे सुखा लिया था, आप देख सकते हैं हल्की सी सुकड़न है इनके ऊपर, और इनको थोड़े मोटे मोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लेंगे, तो रफली काट कर तैयार कर लेंगे। इसके बाद में हम लेंगे यहाँ पर इस तरह से, आप चॉपर ले सकते हैं, मैनुअल चॉपर का यूज मैं कर रही हूँ। इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे और इसको हम इसकी जो स्ट्रिंग होती है उसको खींचकर इसको हल्का सा क्रश कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा क्रश नहीं करना है, हल्का हल्का इसको क्रश करके तैयार कर लेंगे। तो सेम यही प्रोसेस हम अदरक, लहसुन, हरी मिर्च तीनों में ही लगाएंगे। तो देखिए, हरी मिर्च क्रश हो चुकी है, इसको मैंने एक बोल में निकाल लिया है जिसमें हम अचार डालेंगे, उसमें ही एक ही साथ तीनों चीजों को निकालते जाएं। यहां पर देखिए, लहसुन को भी इसी तरह से हम क्रश करके तैयार कर लेंगे और अदरक को भी छोटे टुकड़ों में काटने के बाद में क्रश करके तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इस काम को मिक्सी के जार में भी कर सकते हैं। तो मिक्सी के जार में अगर आप कर रहे हैं तो तीनों चीजों को एक साथ ही डालकर पल्स करते हुए, यानी कि ऑन एंड ऑफ करते हुए, आप तीनों चीजों को मिक्सी में भी थोड़ा सा मोटा मोटा क्रश कर सकते हैं। तो जिन लोगों के पास चॉपर नहीं है तो वो इस काम को मिक्सी में कर लें। ये देखिए, तीनों चीजों को हमने चॉप कर लिया है, तीनों चीजें हमारी तैयार हो चुकी है। तो चलिए तीनों चीजों को मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही टेस्टी अचार बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स, और इसका जो टेक्सचर आता है ना, वो इसका मेन बहुत की पॉइंट है और जान है, जिसकी वजह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मैंने डाला है यहाँ पर 1 से 1.5 टेबलस्पून के करीब नमक, यानी कि लगभग 2 से 3 चम्मच के करीब नमक आपको ऐड करना है। तो देखिए, 1 टेबलस्पून डाला और साथ ही मैंने आधी टेबलस्पून यानी कि 3 चम्मच नमक डाला है, सादा सफेद नमक, आधी चम्मच हल्दी का इस्तेमाल किया है, और तीनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए, सारी डिटेल्स, जो भी मसाले हम ऐड कर रहे हैं और जितनी भी क्वांटिटी में ऐड कर रहे हैं, उसको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। यहाँ पर देखिए, मसालों को यानी कि नमक और हल्दी को हमने इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इसको ढककर हम छोड़ देंगे, साइड में रख देंगे लगभग 1.5 से 1 घंटे के लिए, ताकि नमक और हल्दी अच्छे से यहाँ पर अचार के अंदर चला जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा, एक तो इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है, साथ ही इसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो चलिए, जब तक कि हमारा ये तैयार हो रहा है, इसको मैरिनेट होने हमने रखा है साइड में, तब तक हम अचार के लिए मसाला बना लेते हैं। तो कोई पैन ले लें, इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून के करीब सौंफ ऐड करेंगे, मोटी महीन कोई भी सौंफ ले सकते हैं, 1 टेबलस्पून राई ऐड करेंगे, मैंने काली राई का यूज किया है, आप राई ले सकते हैं, सरसों ले सकते हैं, जो भी लेना चाहे ले लें। साथ ही 1 चम्मच इसमें हम ऐड करेंगे मेथी दाना, तो मेथी दाना हमें बहुत ज्यादा नहीं ऐड करना होता है, ये देखिए टेबलस्पून है और ये छोटी वाली टीस्पून है, तो 1 चम्मच ही हमने इसमें मेथी दाना ऐड किया है। अब चारों चीजों को अच्छे से लो मीडियम फ्लेम पर या लो फ्लेम पर भून लेना, तो लगभग 2 मिनट का टाइम लगेगा, बहुत जल्दी ये मसाले भुनते हैं, और जैसे ही ये भुनते हैं ना, तो मेथी का कलर चेंज हो जाएगा, साथ ही खुशबू बहुत अच्छी आने लगेगी, आपकी किचन में ना बहुत ही बढ़िया एरोमा पूरे में बिखर जाएगा। तो मसाले भुन जाते हैं तो इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है, साथ ही इनको ग्राइंड करना इजी हो जाता है। तो मसाले भुन चुके हैं, गैस को ऑफ कर दिया और इन मसालों को हल्का ठंडा करके हम मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डालकर पल्स करते हुए इसका पाउडर तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मसाले हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो चलिए इनको मिक्सी के जार में डाल देते हैं और इनका पाउडर इस तरह से तैयार हो जाएगा। इसको भी हम साइड में रख देते हैं और अचार को बनाने में हम यूज करेंगे। तो यहां पर देखिए, लगभग 1 घंटे के करीब हो चुका है, इसका कलर आप देख सकते हैं थोड़ा सा चेंज हुआ है और हल्का सा इसमें पानी भी छूटा है, जो नमक हमने ऐड किया था उसकी वजह से पानी भी छूटा है। अब इसमें हम बाकी के मसाले मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अचार का मसाला डाल देती हूँ जो अभी अभी हमने बनाया है, और इसके साथ ही यहाँ पर 1/4 चम्मच के करीब हींग का पाउडर ऐड करेंगे। हींग ऐड करेंगे, इसका अचार में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। आधी चम्मच काला नमक जरूर ऐड करना, और साथ ही 1 चम्मच डाल सकते हैं इसमें आप कश्मीरी मिर्च पाउडर, कलर के लिए होती है।
अगर आप चाहें तो कश्मीरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं, यानी कि ना डालना चाहें तो आप ना डालें। और सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप के करीब तेल। तेल आपको कौन सा लेना है, आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है, ठंडा ही तेल डालना है, यानी कि जैसा मार्केट से आया था ना वैसे ही डायरेक्टली लाकर आपको इसमें डाल देना है। गर्म वगैरह करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप आराम से इसी तरह से डाल देना, आपका अचार बहुत ही टेस्टी बनेगा, सालों साल खराब नहीं होगा। अब तुरंत ही आप चाहो तो इसको स्टोर भी कर सकते हो। स्टोर करने के लिए कोई भी कांच का कंटेनर ले लेना, वैसे अगर आपके पास कांच का कंटेनर नहीं है तो प्लास्टिक का कंटेनर भी आप ले सकते हो, पर कांच का कंटेनर ज्यादा अच्छा रहता है। और जो लोग चाहें तो इसमें अगर आपको लगे तो धूप भी आप दे सकते हो, वैसे धूप की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऐसे ही ये अचार गलकर तैयार हो जाता है और सालों साल चलता रहता है। आप इसको कम क्वांटिटी में भी बना सकते हो जिस तरह से मैंने बनाया है, या फिर ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर इसको सालों तक स्टोर भी कर सकते हो। मैंने इसको यहाँ पर कम क्वांटिटी में बनाया है और इसको बनाकर आप आराम से नेक्स्ट डे से खाना शुरू कर सकते हो। वैसे तो इंस्टेंटली भी आप इसको खा सकते हो, इंस्टेंट अचार है, तुरंत भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, पर अगर आप इसको 1 से 2 दिन रखकर खाओगे ना तो इसमें हल्की खटास आ जाती है। हमने इसमें राई ऐड की है जिसकी वजह से हमारा अचार खट्टा हो जाएगा और उसका टेस्ट और ज्यादा एनहेंस हो जाएगा। अगर आप इसको सालों तक स्टोर करना चाहते हो तो आप ज्यादा क्वांटिटी में बनाकर ऊपर से कंटेनर में तेल भी थोड़ा सा डाल सकते हो, कच्चा सरसों का तेल डालना, और इसके बाद में आप इसको स्टोर कर सकते हो। तो कैसी लगी अचार की रेसिपी लिखकर जरूर बताना, बनाने के बाद में फीडबैक जरूर शेयर करना। मुझे उम्मीद है रेसिपी जरूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।